बेहतरीन समीर रुस्तम और फिदा हुसैन भाई आज के कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे इस मैच का। आपके सामने इस वक्त अलर्ट होकर खड़े, उसके बाद ये छपरोट के कोच हैं दोनों, मोहम्मद हुसैन और एडवोकेट रियाजत हुसैन, एडवोकेट रियाजत हुसैन, और उसके साथ ये खिलाड़ी हैं। आपका नाम? मुस्तफा अली। जिंदाबाद। नाम? अकबर हुसैन। मोहम्मद कदीर। मिनाज हुसैन। मयात हुसैन। अमजद हुसैन। नाजरीन, ये छपरोट के टीम कप्तान है अमजद हुसैन। अमजद हुसैन भाई से पूछते हैं, आपने अच्छी तैयारी करके आए अपनी टीम के साथ, कितना परसेंट चांस है जीतने का? कोशिश करेंगे 80-70% चांस है। अच्छा, चलें देखते हैं आगे, अल्लाह गुड लक करे आपको। कोशिश करते हैं। नाजरीन, इस वक्त जो है आपके सामने ये छलत बाला की टीम के कोच हैं, तो आप अपना तारुफ कराएं कोच साहब। हुसैन अब्बास। गुलाम मुस्तफ़ा। और ये शहराज भाई डेली अंपायरिंग कर रहे थे, आज छलत बाला टीम के कोच हैं, और उसके बाद ये खिलाड़ी हैं काशिफ हुसैन, अख्तर हुसैन, हैदर अब्बास, सफदर अब्बास। ये बेस्ट खिलाड़ी हैं नाजरीन, और उसके साथ ही ये मोहम्मद जाफर हैं, और छलत बाला का टीम के कप्तान हैं। तो बताएं आप, अच्छी तैयारी करके आए हैं मैदान में आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी टीम जो है वो नगर में जहाँ भी टूर्नामेंट होता है वहाँ पार्टिसिपेट करती आ रही है काफ़ी अरसे से। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, मेरे पास देख रहे हैं, हमारे मुकाबले की टीम है दूसरे वाली भी, लेकिन सारे मेहनत कर जाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। चलें, गुड लक। जाफर हुसैन का अच्छा आइडिया, सर्विस कर रहे हैं सफदर हुसैन, और ये हैदर अब्बास शायद मारने में नाकाम। और एक दफा फिर से जाफर हुसैन कामयाब। ये खेल का पहला सेट जो है ये सलत बाला की टीम जीत गई है, तो अभी सेकंड राउंड जो है ना। नाजरीन, इस वक्त जो है खेल का दूसरा सेट छपरोट की टीम ले गई है, और इसी तरह एक एक सेट जीतने में कामयाब है छलत की टीम और छपरोट की टीम। तो अभी तीसरा जो सेट है ये जारी है, नाजरीन देखते हैं क्या होता है। और ये छलत बाला की टीम के फेवर में, चलो।
और ये तीसरा सेट जो है शलत बाला की टीम जीत गई है। इसी तरह जो है शलत बाला 2 और चप्रोट 1। अभी छोटा सेट का क्या बनता है देखते हैं नागरीन, कौन सी टीम जीतने में कामयाब होती है। अभी शलत के लिए एक खेल जीतना बाकी है, जबकि चप्रोट को कंटिन्यू 2 खेल जीतने के लिए दरकार है। नागरीन फुटबॉल एक कवर खेल ना और नाजरीन और ये शरद बाला की टीम इस वक्त जीत चुकी है। चप्रोट नाकाम हो गई है नाजरीन, ये खेल नहीं जीत सकी चप्रोट और शरद बाला की टीम ने। ये सेट भी जीत कर खेल अपने नाम कर लिया। की टीम जीत गई, आप खुश हैं भाई? पहली बात यह है कि शलत बाला को मुबारकबाद, चप्रोट को भी मुबारकबाद, आप कोशिश करें नेक्स्ट आप भी जीतेंगे। पहली बात यह एक बेहतरीन हेल्दी एक्टिविटी है छल की उनकी जानिब से, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। हर चीज़ का एक मौका, एक अपना अपना एक टाइमिंग होती है, बेहतरीन टाइमिंग का इंतखाब किया गया है। अगर जवानों को आप इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो माशरे के अंदर फिर जराइम में मुलविस होंगे। इसलिए इस खेल के साथ साथ मैं जितने देखने वाले आपके नाज़रीन हैं आपके चैनल के, इन सबको ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे इतने ज़्यादा माशरे में जराइम की कमी होगी, बीमारियों की कमी होगी। ज़बरदस्त मेरी तरफ से 100%। फिर साहब आप भी कुछ कहेंगे? मेरी तरफ से शलत बाला की टीम को बहुत मुबारकबाद, बस इससे ज़्यादा। थैंक यू। यहाँ सच टीवी के इकबाल हुसैन रजवा भी मौजूद हैं, यहाँ इसके गांव की टीम जीत गई। इकबाल भाई मुबारक हो आप लोगों को, तो आप अपने टीम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं मजीद? हाँ, सबसे पहले तो
मामूल के मुताबिक मैं अपनी अपने इलाके के जो नौजवान हैं जहाँ खेल रहे थे उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है कि उनका ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तहम जो वॉलीबॉल है मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे नौजवान यहाँ जमा हैं। मुझे सबसे बड़ी जो खुशी है इस बात की है कि हमेशा किसी सियाने का कहना है कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं उस कौम के अस्पताल वीरान होते हैं। मैं अभी अस्पताल में भी होकर आया, माशाल्लाह आपने ये बात सही की। अंदर 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 मैं अस्पताल में भी चला गया, वहाँ पेशेंट नहीं थे, यहाँ ग्राउंड भरा हुआ है, कच्चा खिच भरा हुआ है। तो मैं इन सबको इसलिए भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इस कौम को सेहतमंद रखने के लिए सेहतमंद सरगर्मी के तौर पर आज वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर ये परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। तो अगेन मेरी तरफ से किसी दिन मैं अपनी नौजवान टीम को मैं चाय पिलाऊंगा, बैठेंगे, इनको इस तरह की एक्टिविटीज़ अच्छे अच्छे दिनों में करने चाहिए। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब।